आज मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, प्लीज रिकॉर्ड कर लेना, तो उस दिन की क्लास रिकॉर्ड हुआ करेगी तब, ठीक है। जैसे अभी डेली क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना प्रॉपर, फिर बंद हो जाती है ना, क्योंकि फिर आपको साथ में मेरे काम करना होता है। डॉट ए बॉर्डर टू पिक्सल सॉलिड लगाया यहाँ पे, बिड़थ बिड़थ लगाया मैंने 200 पिक्सल, 300 पिक्सल, और रन किया ब्राउजर पे। अगर नोटिंग करो बस थोड़ा समझ लो, ये आगे बॉर्डर, और इसमें मैंने कर दिया थोड़ा सा टैक्स अलाइन जस्टिफाई हो गया। अब आपको दिख रहा होगा कि कंटेंट बॉर्डर से चिपका हुआ है, टैक्स अलाइन सेंटर लो, हाँ जी हाँ जी, फिर मुझे व्हाट्सएप पहले के भेज दो, मैं लिंक दे दूंगा। हाँ 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 ठीक 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 ओह चलो, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब देखो, अब मैं क्लाइंट ने कहा कि मैं थोड़ा बॉर्डर का साइज बढ़ा देता हूँ, इससे आपको साफ दिख सके, यहाँ रेड कर देता हूँ, ट्राई। क्लाइंट ने कहा कि थोड़ा कंटेंट बॉर्डर से दूर कर दो साइलो, तो मैंने एक्सपेक्ट किया तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे एक्सपेक्ट में। अब यहाँ लिखा मैंने पैडिंग, सबको याद होगा पैडिंग करना होता है, पैडिंग मैंने किया 1 पिक्सल, पहले 0 कर देता हूँ। अब मेरा आप यहाँ पे कर्सर देखना एक बार, रखा है कर्सर, सबने मेरा कर्सर देख लिया कहाँ रखा हुआ है, बॉर्डर पे। अब मैं यहाँ पे पैडिंग बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पैडिंग बढ़ा रहा हूँ तो फिर आप देखना क्या होने वाला है, और मुझे बताना कि सर ये हो रहा है, ठीक है। ये बढ़ाया मैंने पैडिंग, देखो क्या हो रहा है, पैडिंग बढ़ रही है तो हाइट दोनों बढ़ रही है ना, सब देख पा रहे हैं ना। देखो ये जीरो है, ठीक है। अभी विड्थ कितनी है इसकी, 310 है, देखो दिख रहा है 310, कितना है 310। और जैसे ही मैं उस पर वो लगा देता हूँ क्या, पैडिंग, तो पैडिंग लगाने से क्या होता है, इसकी विड्थ बढ़ना चालू हो जाती है। देखो देखो विड्थ बढ़ रही है, अब कितनी हो गई, 328 हो गई, हो गई देखो 328। तो हो क्या रहा है कि जब मैं पैडिंग बढ़ा रहा हूँ तो बॉक्स की विड्थ बढ़ रही है। अब गैस करो कि अगर मैं यही बॉक्स को रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा देखना 4 बार, मैं थोड़ा ये हटा देता हूँ, तो एक के नीचे एक आ रहा अभी, अरे तो मैं एक क्लास लगाता हूँ बगल में लाने के लिए, एक क्लास होती है फ्लोट लेफ्ट, ठीक है, फ्लोट लेफ्ट आ गया। अब ये एक दूसरे से बॉक्स चिपक रहे हैं, देख पा रहे हो ना, तो क्या लगाना पड़ेगा, मार्जिन 5 पिक्सल, दिख रहा है ना सबको, मार्जिन सबको पता है ना। अब क्या होगा जब मैं पैडिंग, अब क्लाइंट ने बोला कि इसके अंदर की थोड़ी विड्थ स्पेस कम कर दो पैडिंग लगा कर, मैंने पैडिंग किया 1 पिक्सल। तो देखो जब मैं पैडिंग बढ़ाऊंगा तो साथ में क्या होगा, विड्थ बढ़ेगी, और जब विड्थ बढ़ेगी तो वो एक के नीचे एक आ जाएंगे, देखो जैसे मैं यहाँ पैडिंग बढ़ा रहा हूँ, देखो देखो बढ़ रहा है विड्थ, देखो नीचे पहुंच गया,
हेलो भाई, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना पक्का आगे चल के। तो इसके लिए हमें क्लास लगानी होती है यहाँ पे नीचे, बॉर्डर बॉक्स, सॉरी बॉर्डर नहीं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। क्या लगाना होता है? बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब देखो कहीं बड़ी विड्थ, अब देख लो मैं इसको जीरो कर देता हूँ, ये जीरो, ठीक है। तो अब देखना विड्थ क्यों बढ़ रही है, बस हाइट बढ़ेगी अकेली, देख सकते हो विड्थ बढ़ रही है। देखो अब देख पा रहे हो, देखो टेलीफोन नहीं क्या बढ़ रहा है, इसमें हाइट बढ़ रही है, बेस के बड़ी है ना, हाइट बढ़ रही है ना कि बेड़ बढ़ रही है। अब ये पॉइंट समझ आया, समझ आ गया ना, बॉक्स साइज हम क्यों लगाते हैं, है ना, फ्लोट लेफ्ट क्यों लगाया मैंने, लेफ्ट से राइट की ओर आने के लिए, ठीक है। और मार्जिन क्यों लगाया, इनके बीच में स्पेसिंग देने, ठीक है ना। क्या पार्ट, अपने इतने पार्ट को आप नोट कर लो, एक एक बना लो फाइल बॉक्स। हाँ हाइट अभी करेंगे आगे चल के, एक बना लो फाइल बॉक्स साइजिंग के नाम से, बॉक्स साइजिंग डॉट एस टी एम एल, बॉक्स साइजिंग डॉट, हाँ बोलो बोलो, हाँ हाँ बोलो बोलो भाई, कट गई, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रही, बोलो। हाँ अभी तो पढ़ाई है, अभी तो यूज कर भाई, जब मैं बहुत सारे पी पेस्ट कर रहा हूँ, जब मैं बहुत सारे पी लगा रहा हूँ, तो एक के नीचे एक आ रहे थे, हमें लेफ्ट से राइट में लेके जाने हैं, तो फ्लोट लेफ्ट लगाना पड़ेगा। अब इस तरीके से 8 फुट आ रहा था, ये 8 फुट आ रहा है, अब मुझे लेफ्ट से राइट में लेके आने हैं, तो क्या लगाना पड़ेगा, फ्लोट लेफ्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी और होती है जो भी आगे चल के सीखेंगे, ठीक है, इसका तो यूज बहुत कम होता है। हाँ बोलो लो, नहीं, देखो समझो, सिंपल समझो, जैसे तुम्हारा कमरा है, जैसे आपके घर में हॉल होता है, होता है, उस हॉल में एक पलंग रखा होगा, एक सोफे पलंग रखा होगा, सोफा रखा होगा, उसके अंदर डाइनिंग टेबल रखी रहती है उसके अंदर। अब मैं आपसे बोलूं कि आपने हॉल के अंदर हेलीकॉप्टर रख लो, रख पाओगे क्यों भैया, क्या नहीं है जगह नहीं। तो ऐसी हमारी जी जी है ना, स्किन इसके फुल है ना, ये स्किन, तो हम इतनी में तो लेकर ले पाएंगे, हमारी स्क्रीन इतनी बड़ी है, तो उस हिसाब से तो हम विद डिसाइड करेंगे, समझ आ गया। अगर ब्रेथ बढ़ाऊंगा सिंपल ही चला जाएगा, तो ब्रेथ थोड़ी थोड़ी कम करनी पड़ेगी, जिससे मैं अपने कमरे को सेट हो जाए ना। अब जैसे बेडरूम हॉल है, अब हॉल में दो पलंग तो आ नहीं पाएंगे, एक ही पलंग आ पाएगा, दूसरे पलंग के लिए जगह नहीं है उसके अंदर, है ना, ये रहता है, वो सेम रहती चाहिए। सब नोट कर लो ये, बाकी मैं हटा देता हूँ, एक मैं ये एक ही रख रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप लोग इसी कॉपी पेस्ट कर लेना। पहले ये नोट कर लो, पी वाला पार्ट, ये पी वाला पार्ट सबसे पहले सब नोट कर लें,
पी वाला पार्ट नोट हो गया। चलो अब ये नोट कर लो, एक अलग बनाना फाइल बॉक्स साइजिंग के नाम से, बॉक्स साइज। नोट हो जाए तो बता देना। हो गया बाकी सबका, हो गया बंद तो कर दो। चलो अब देखो सब लोग, अब बात करते हैं हम डिब की, ठीक है। अब सबको दिख रहा होगा फ्लिपकार्ट, ये है ना। आप कोई सी भी वेबसाइट ओपन कर लेना, कोई से भी। यहाँ तक हमने जो पढ़ा, जो हमने अभी तक पढ़ा, वो एक था बेसिक लेवल, ठीक है। वो बेसिक लेवल वाला पार्ट अब फिनिश हो गया, जो अभी तक आपने देखा था बेसिक लेवल। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा एडवांस लेवल की ओर, वेब पेज बनाते कैसे हैं, अब उस लेवल पर बनाते हैं। तो ये फ्लिपकार्ट देखो, अगर मैं इस फ्लिपकार्ट का एस्पेक्ट करूँ ऐसे, आप किसी भी वेबसाइट का एस्पेक्ट करके देखो, तो आपको हर जगह एक ही चीज दिखेगी, डिब 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 डिब। ऊपर आया इसको लेके, और यहां पर मैं स्क्रॉल किया, सब सुपर चला। देखो देख रहे हो सब लोग, डिब 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 के अंदर क्लास, डिब के अंदर क्लास, डिब के अंदर डिब, डिब के अंदर डिब। देख पा रहे हैं आप लोग, देखो दिख रहा है सारा खेल डिब का। देखो ये सब पढ़ चुके हो, पैडिंग बॉर्डर पढ़ चुके अपन। देखो कुछ टाइम में आपको सारी क्लास, देखो लेटर स्पेसिंग देख लो, बॉक्स साइजिंग पढ़ा था अपन अभी, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। धीमे धीरे आपको सारे कोड समझ आने लगे कुछ टाइम बाद। उस टाइम में जब किसी का भी आप स्पेक्ट एलिमेंट करोगे ना, तो आपको धीमे धीरे सब कोड समझ आने लगे किससे क्या हो रहा है। तो आप सिंपल देख सकते हो कि हर जगह क्या चल रहा है, डेव 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 डेव। देखो और चलता हूँ, अमेजन ओपन करता हूँ, कुछ भी ओपन कर लो, किसी का भी आप स्पेक्ट एलिमेंट करोगे ना, आपको हर जगह डिब डिब दिखेगा। डिब समझते हो आप लोग क्या होता है, सही लोग डिब जानते हो, सब लोग जानते हैं डिब। हाँ डिवीजन, जिसको अपन डिवीजन टैग बोलते हैं ना, डिब को अपन लोग क्या बोलते हैं, एक
हाँ बता बता, कोई बता रहा? हाँ। अब जैसा सिंपल से एग्जांपल देके मैं समझाऊं, जैसे आप लोगों का घर, आपका एक घर था, तो आपके घर में सबसे पहले ली गई थी एक जमीन, थोड़ा माइक बंद कर लो, सबसे पहले ली गई थी एक जमीन। उस जमीन पे क्या हुआ, सबसे पहले एक बाउंड्री खींची गई, फिर उस बाउंड्री को हिस्से किए गए कि एक इतना बड़ा हॉल बनेगा, फिर इतना बड़ा ये अलग कमरा बनेगा, ये किचन बनेगा, बनेगा ना। तो वो क्या किए गए, इस जमीन को, उस जमीन को डिवाइड कर दिया गया, है ना। जैसे आपके घर में एक हॉल होगा, हॉल का साइज कुछ अलग होगा, उसको अलग डिवाइड कर दिया गया। अब अगर मैं उस हॉल के अंदर अगर पेंट करूं दीवार पे, तो ऑटोमेटिक के अंदर वाले कमरे में पेंट हो सकता है क्या? नहीं होगा ना। जो चीज मेरे हॉल के अंदर आ गई, क्या वो ऑटोमेटिक कमरे के अंदर पहुंच जाएगी? क्या नहीं पहुंचेगी ना, क्योंकि वो हॉल के अंदर फिक्स कर रखी है मैंने, डिवाइड कर रखा है मैंने अपने घर को, हॉल, किचन, लेटरिन, बाथरूम, डाइनिंग रूम, पूजा का घर होता है ना। तो ऐसे अपन क्या बोलते हैं इसको, डिवीजन टैग बोलते हैं, डिवाइड करना चीजों को, है ना। अब जैसे आप यहाँ पर देखो, सिंपल सा आपको यहाँ दिख रहा है ये व्हाइट व्हाइट वाले बॉक्स दिख रहे हैं सबको, व्हाइट व्हाइट से बॉक्स पीछे दिख रहे हैं। अब इस बॉक्स के अंदर आपको दिख रहा होगा जी, अब 225% इसी बॉक्स के अंदर दिख रहा है इमेज। फिर इस, अब देखो ये कंटेंट कहीं से बाहर जा रहा है, फिर देखो इसमें, देखो ये बॉक्स में, देखो मतलब ये कमरा है व्हाइट व्हाइट, इस कमरे के अंदर कुछ भी कर सकते हो। ये चार कमरे बने हुए हैं, ये राम का कमरा, ये श्याम का, ये मोहन का, ये रोहित का है। अब भाई तुम अपने कमरे में जो कुछ करना करो, अब दूसरे कमरे को डिस्टर्ब नहीं करोगे। तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। घर में बंटवारा होता है, बंटवारा हो गया, जैसा मेरा इस हिस्से में तुम नहीं आओगे, तो बंटवारा कर देते हैं। तो वो ये होता है डिवीजन टैग, डिवाइड करना चीजों को, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं, डिवीजन टैग बोलते हैं। अब काम कैसे करते हैं वो आप समझना, ठीक है। यहां से टास्क मिलना चालू, आज जो होगा उसकी ही आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है और ग्रुप में नाम के साथ भेजना है। अगली क्लास जब लूंगा तो पहले नाम एंटर होंगे, पूछूंगा आपने क्यों नहीं किया, ठीक है, याद रखना। क्लियर? अभी तक आपने किया नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं पूछा आप लोगों से, क्योंकि अभी तक बेसिक लेवल था। अब देखो, अब समझो, अभी कोई नोट नहीं करेगा, थोड़ी देर देखेगा, डिव समझते हैं, डिव का यूज क्या है। आप कोई सी भी वेबसाइट उठा के देख लेना, सारी वेब पेज हमारे डिव से ही बनते हैं। आज हम एक सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा एक वेब पेज बनाएंगे डिव की मदद से। आज हम समझेंगे डिव क्या होता है, बस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चार डिव बनाए, मतलब चार कमरे, डिव इस तरह का कमरे समझ लो, मैं एक चार कमरे बना रहा हूँ। देखो, एक कमरा, दो कमरा, तीन कमरे, चार कमरे, ये चार कमरे हैं, ठीक है। अभी मान लो इस तरीके के, ये दिख रहे हैं फ्लिपकार्ट पे, ये अमेजोन पे, ये दिख रहे हैं चार बॉक्स, हमें चार बॉक्स बनाना चाहते हैं, ठीक है, सेम। तो मैंने चार डिब बना दी, चार कमरे बना दिए, ठीक है। अब मैं इसके अंदर चलता हूँ, लिखता हूँ स्टाइल, डिब मतलब डिवाइड करना चीज़ों को अलग अलग। देखो, मैंने कहा डॉट ए, लिखा बॉर्डर, 2 पिक्सल, सॉलिड, ठीक है। अब मैंने इन कमरों की विड्थ सेट कर दी, ठीक है, हमने कि भाई हर कमरे की विड्थ कितनी होनी चाहिए, 300। अभी मैं सेम सबकी विड्थ रख रहा हूँ, क्योंकि मैं देखो यहाँ पे, देखो सबके बॉक्स के साइज सेम है ना, आप देख पा रहे हो ना, सबके बॉक्स का सेम बने हो, तो सेम रख रहे हैं अभी, ठीक है। अभी सिर्फ डिप समझ रहे हैं, डिप काम कैसे करता है। मैंने हाइट सेट कर दी, नोट मत करना, अभी टाइम दूंगा नोट करने के लिए आराम से प्रॉपर आपको। तो रन किया, देखो ये आ गए गेम, दिख रहे हैं एक नीचे एक, एक नीचे एक, एक नीचे एक, एक नीचे एक, सब लोग देख लो। अब मुझे इनको लेफ्ट से राइट में लेके आने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, अभी सिखाया था आपको, बताया था, रोट लेफ्ट लगाना पड़ेगा, लगा दिया। इनके बीच में स्पेसिंग देनी है, तो क्या लगाना पड़ेगा, वहां से लगाना पड़ेगा, ठीक है, वहां 5 पिक्सल दे दिया, ठीक है, ये आ गए। अब मैं थोड़ा क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ एक H1 में, और इसके अंदर क्लास लगा देता हूँ ए नाम की, और इस पर भी थोड़ा काम कर लेता हूँ, नहीं सॉरी, बी नाम की क्लास कर लेता हूँ, डॉट बी, डॉट बी,
ये बॉर्डर पिक्सल सॉलिड राइट बैकग्राउंड बैक टेक्स्ट अलाइन सेंटर कलर वाइट क्या आ गया पूरा फ़ॉन्ट साइज। देखो मैं जितना सिखाया मैं सारी क्लास यूज कर दूंगा इसमें आज की क्लास प्रॉपर्टी है ठीक है। अब देखो अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे जमाइक बंद कर लो अब मैं जब यहाँ पे वेब पेज बनाने जा रहा हूँ तो अब मैं नहीं चाहता कि मैं ये इंटरनल CSS यूज करूँ है ना, क्योंकि वेब पेज बनेगा तो CSS बहुत ज़्यादा लगेगी। अब उसी एक ही पेज पे CSS लगाऊं उसी पेज पे HTML करूं तो मज़ा नहीं आएगा है ना। तो अब मैं यूज़ करूंगा एक्सटर्नल CSS ठीक है। क्या यूज़ करने वाला हूं एक्सटर्नल CSS मतलब CSS वाला काम अलग करूंगा। तो एक बार सब देखना तो यहां पे दिख रहा है CSS का फोल्डर ये सब लोगों को तो इस पर राइट क्लिक करके बनाऊंगा एक फाइल। मुझे आपके लिए VS कोड ओपन करना पड़ेगा आप पंगा कर दोगे आपको और अपन एक्सटर्नल CSS का यूज़ करेंगे ठीक है। क्योंकि अब वेब पेज बनने वाला है ना इसलिए अगर वेब पेज नहीं बना होता तो हम इंटरनल CSS का यूज़ कर रहे थे। अब वेब पेज बनेगा तो बहुत सारे CSS लगेंगे। अब एक ही पेज पे हम HTML लिखें एक ही पेज पे हम CSS लिखें तो वो हौचपच हो जाएंगी चीज़ें तो इसलिए वो अपन अलग कर देंगे क्लियर। तो इनलाइन CSS समझ लिया इंटरनल समझ लिया CSS अब आप समझोगे एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में कुछ नहीं है बस हम CSS वाले पार्ट को अलग कर रहे हैं बस ठीक है। तरीका सारा वही रहेगा काम करने का ठीक है। सब लोग सब देखो अब देखो ये दिख रहा है ये डिप बना हुआ है यहाँ पे ठीक है। अब देखो ये आपको दिख रहा होगा CSS नाम का फोल्डर एक। अब मुझे फाइल बनानी है इस CSS के अंदर किस नाम से style.css। तो मैं इस CSS वाले फोल्डर पर क्लिक करूंगा ऐसे क्लिक किया और दिख रहा है ये फाइल इस पर क्लिक किया ऐसे लग दिया स्टाइल कुछ भी नाम दे सकते हो आप main.css a. कुछ भी डॉट मगर जो फाइल सेव होगी वो किस नाम सेव होगी CSS नाम से दिख रहा है style.css। CSS के अंदर फाइल सेव हो गई style.css। फिर HTML की फाइल सेव करोगे तो यहाँ पे क्लिक करना होता है HTML पे ये तो पता है ना सबको। जब HTML की फाइल बनानी होती है तो यहाँ पे क्लिक करके तब फाइल बनानी होती है तो इतना जान गए हो गए। अब CSS के बनानी है तो CSS वाले फोल्डर पे क्लिक करो फिर न्यू फाइल करो ऐसे देखो अब ये कहाँ इस पर क्लिक करा इस पर क्लिक करा न्यू फाइल किया मैं लिख दिया main.css ठीक है पॉइंट क्लियर। देखो तो मैं यहाँ पे आया डिप के अंदर अब इसके नीचे अब देखो लिंक कैसे करते हैं एक्सटर्नल CSS को। पहले मैं थोड़ी देर के लिए ये कोड को कमेंट कर देता हूँ ठीक है बंद कर दिया मैं थोड़ी देर के लिए। तो देखो लिंक कैसे करते हैं मैं लिखा लिंक तो आ रहा लिंक अपने आप एक एंटर दे दिया आ गया और मैं यहाँ पर थोड़ा कमेंट लगा देता हूँ CSS लिंक ठीक है। अब लिंक के अंदर क्या लगा रिलेशन किससे स्टाइल शीट से HRA के अंदर क्या देना होगा मुझे पाथ देना होगा हाइपर रिलेशन पाथ देना होगा। तो मैंने इसके अंदर लिखा CSS के अंदर जाओ देखो अपने आप आ गया उसके अंदर अपने आप आ गया देखो style.css ये इसको मुझे बड़ा फायदा होता है ये सब लै हाँ जी बोलो कुछ नहीं क्या देखो CSS के अंदर एक फाइल बनेगी style.css नाम से ठीक है। और फिर यहाँ पे अब लिंक करने के लिए ये टैग लिख रहे हैं कोड लिख रहे हैं इतना बस ठीक है लिख लिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ इसके अंदर style.css में मैंने अब लिखा बॉडी का बैकग्राउंड पहले चेक तो कर लूँ कि लिंक हुआ कि नहीं हुआ सेव किया ये वाली फाइल सेव करी देखो मैंने ये वाला सारा कोड बंद कर रखा है अभी तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि CSS लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक है रिफ्रेश किया
लिंक हो गया सीएसएस मेरा, कलर चेंज हो गया ना, है ना। तो कैसे किया, सीएसएस वाले फोल्डर के अंदर जाके मैंने एक फाइल बनाई style.css, उसके अंदर मैंने क्या लिखा, बॉडी में बैकग्राउंड रेड चेक करने के लिए। फिर एचटीएमएल में मैंने क्या लिखा, लिंक रिलेशन स्टेटस एचआरएफ के अंदर मैंने क्या दे दिया, पाथ दे दिया। इससे क्या हो गया, हमारा एक्सटर्नल सीएसएस लिंक हो गया। पहले आप ये लिंक कर लो, फिर आगे काम करना ना, अभी इसी में आप टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा आप लोगों को, है ना। पहले लिंक वाला काम, ये डिप है पहले वाला, इस पे मैं थोड़ा यहाँ पे, ये डिप पहले वाला मार्जिन, मार्जिन किस पे लगा रहा हूँ मैं, पहले डिप पे 10 पिक्सल, देखो इससे इक्वल हो जाए, दिख रहा है ना सबको, दोनों साइड से इक्वल स्पेसिंग आ जाए। तो ऐसे आप अपने में भी देख लेना, आपको भी दोनों साइड से इक्वल स्पेसिंग रखनी है ना। तो मैंने पहले वाले डिप पे क्या लगाया, मार्जिन लेफ्ट लगाया। आज मार्जिन लेफ्ट सबको पता है क्या होता है, ठीक है। और इनकी बॉक्स के बीच में अगर आपको थोड़ा और स्पेस देना है तो थोड़ा और स्पेस दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इनके बीच में थोड़ा थोड़ा और स्पेस दे देना, मैंने 8 पिक्सल दे दिया तो लेफ्ट में थोड़ा कम कर देता हूँ, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट करना, ठीक है ना। आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेट करना, ये लेफ्ट राइट वाला सिस्टम आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग, और मार्जिन ज़्यादा मत देना, 8 पिक्सल काफ़ी है ना। वो तो आपने स्किन के अकॉर्डिंग सेट कर लो कितना क्या आपको रखना है, ठीक है। अब देखो मेरा यहाँ पर भी सेम आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आ रहा, थोड़ा मैं कम कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पहले कर देता हूँ 9 कर देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे आके इस पहले वाले डिपक के अंदर लगाता हूँ स्टाइल। मैं लगाया स्टाइल, ये पेस्ट कर दिया मार्जिन लेफ्ट से 31 पिक्सल। पहले डिप पे लगाना है बस, और मुझे कहीं लगाना नहीं है, ठीक है। इतना मैंने सेट कर लिया, इतना पहले आप लोग लिख लें, मार्जिन लेफ्ट से 31 पिक्सल। फिर आप देख लेना वो कितना कम ज़्यादा करना है, वो अपने अकॉर्डिंग आप कर लेना इंस्पेक्ट करके। कर लो इतना, डिप पहले डिप पे लिखना है स्टाइल मार्जिन लेफ्ट 31 पिक्सल। हाँ जी, कुछ नहीं, सिंपल हमने ये यहाँ से थोड़ा खिसकाया है इसको, मैंने पहले वाले डिप पे लगा दिया है मार्जिन लेफ्ट, ठीक है 31 पिक्सल, ये लगा लो, समय लिख लिया मार्जिन लेफ्ट 31 पिक्सल। बोले अब ऐसे आप लोग यहाँ पे मार्जिन 9, ऐसे यहाँ पे मार्जिन 9 कर लेना, है ना। फिर आप देख लेना कि आपके में यहाँ पे दोनों साइड से इक्वल स्पेसिंग आ रही कि नहीं आ रही है, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर लेना उसको, तो वो तो आप कर सकते हो। चलो अब और समझो, इतना हो गया ना, अब और समझे थोड़ा। अब मुझे क्या करना है, अब देखो यहाँ पे क्लाइंट ने मुझसे क्या कहा, थोड़ा देखो यहाँ पे क्लाइंट ने मुझसे कहा कि मुझे ये वाला बैकग्राउंड कलर चाहिए। आप पूरी बॉडी पे अंदर पूरी स्क्रीन दिख रही है वाइट वाइट, इसके बीच आप ये वाला कलर लगा दो। कौन सा वाला, अमेजोन पे जाना आप लोग, अमेजोन पे कलर दिख रहा होगा, दिख रहा पीछे आ रहा इसके, सब दिख रहा पीछे, ये पीछे कलर आ रहा है इसके, हाँ आ रहा ना। ये कलर लगाना है हमें अपनी वेबसाइट पे बैकग्राउंड में, ठीक है। तो अब ये कलर मुझे कैसे मिलेगा, फ्रेंड ने मुझसे क्या बोला, दिख रहा है ये कलर, ये वाला कलर सबको दिख रहा है कलर, ये इनके पीछे लगाया बॉडी पे, ये कलर ये आ गया, देखो दिख रहा है ये कलर चाहिए मुझे, बाकी लोगों को मेरी स्किन दिख रही है। हाँ तो फिर ठीक है, तो फिर आपका नेट पर प्रॉब्लम हो रहा होगा, नेट ठीक है, आप नेट सही करो,
तो अब देखो मुझे क्या करना है, ये कलर लेना है। तो देखो सिखाया था ना, राइट क्लिक करूंगा मैं इसी कलर पे, ऐसे इंस्पेक्ट करूंगा। देखो आप लोग, तो आप लोग भी करना है साथ में भी। इंस्पेक्ट ओपन किया, अब देखो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, कलर रेड लिखूंगा। अभी कुछ भी कलर डाल दो यहां पे, नहीं लिखा मैंने, कुछ भी कलर लिख दिया, ऐसे कलर कुछ भी रेड, कुछ भी लिख दो अपने मन से, आपका मन करे। अब मैंने इस रेड पे क्लिक किया, ऐसे देखो, देखो ऐसे क्लिक करूंगा, ऐसे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ये पेंसिल आती है, इस पेंसिल पे क्लिक किया, अब गया इस पे क्लिक कर दिया, ऐसे मिल गया कलर कोड। सिखाया था ना ये वाला मैंने तरीका, सिखाया था, याद होगा ना। हाँ यहाँ पे आऊंगा फिर मैं ऊपर, सबसे ऊपर लिखूंगा, मुझे पूरी बॉडी पे रखना है तो क्या लिखूंगा, बॉडी बैकग्राउंड और ये पेस्ट कर दिया कलर कोड, ठीक है। अब ये कलर कोड मेरी पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा, आगे देखो है ना, क्या किया मैंने, स्पेक्ट किया, फिर इस कलर पे क्लिक किया, जो कलर डाल दी बाय डिफॉल्ट, फिर पेंसिल को एक्टिवेट करेंगे वो एक्टिव, और जो सा कलर चाहिए वहाँ पे ले जाएंगे और क्लिक कर देंगे। सिखा चुका हूँ भी पहले चीज सब चीज़ें, ठीक है। ये कलर मुझे मिल गया, आप लोग भी ले लेंगे वाला कलर, लो कलर लो आप लोग भी लो। अब देखो मुझे क्या करना है यहाँ पे, ये दिखा ना ये बॉर्डर ब्लैक, मुझे ये बैकग्राउंड वाइट करना है इसका, तो मैं यहाँ पे आया, मैं थोड़ी इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ। अब सब देखो यहाँ पे मैं थोड़ी हाइट बढ़ा दी, और मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ बैकग्राउंड वाइट वाइट, ठीक है। रिफ्रेश किया, वाइट हो गया, और मैं बॉर्डर को भी वाइट कर देता हूँ वाइट, ठीक है। क्या किया मैंने, बैकग्राउंड वाइट कर दिया, बॉर्डर वाइट कर दिया, आप लोग करें दोनों चीज वाइट। देखो बैकग्राउंड वाइट, बॉर्डर वाइट, एक के अंदर बैकग्राउंड वाइट, बॉर्डर वाइट, कर लिया, हो गया ना सबका, हो गया। चलो अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, अब मैं फ्लिपकार्ट पे आता हूँ या कहीं पे भी आ जाओ, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, फ्लिपकार्ट किसी भी आ जाओ, यहाँ से मैं एक कोई इमेज ले लेता हूँ, ऐसे ही कोई इमेज है, सही ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे इमेज है ये, देखते हैं इमेज सेव होती कि नहीं होती वाली, यहाँ ऐसे सेव नहीं होगी, इसको जो बैक करना पड़ेगा, सेव एस, हो रही है सेव, अब हो रही है सेव, ठीक है। अब मैं इस इमेज को पहले सेव कर लेता हूँ, डिजाइनिंग होम थ्री के अंदर, इमेजेस के अंदर, एक नाम सेव कर लीजिए, ठीक है। ये वाली मैंने इमेज सेव कर ली, सब लोग। अब मैं आता हूँ कोड के अंदर, अब सब यहाँ देखो, थोड़ा इसके अंदर आया, पहले डिप के अंदर देखा मैंने, लगाया सबसे पहले लगाया सेंटर डिप, लगा दी मैंने एक तो बी आर,
ऊपर ऊपर लगा देता हूँ इसके ऊपर भी यार, वीआर सिखाया था ना लगाने को, मार्जिन भी लगा सकता हूँ मैं, तब वीआर भूल ना जाओ, सिर्फ वीआर लगा रहा हूँ। चले मैंने इमेज लगाया एसआरसी आईएम इमेज के अंदर, कौन सा भी सेव किया था ये वाला, ठीक है मैं देखता हूँ ये वाली इमेज आई कि नहीं आई यहाँ पर। अब देखो इमेज काफ़ी बड़ी है, देखो दिख रहा है, तो देख रहा कितनी बड़ी इमेज है, तो वो तो बाहर चली गई बॉक्स से बिड्स से, क्योंकि इमेज की बिड्स ज़्यादा है बॉक्स की बिड्स कम है, तो बाहर तो जाएगी जाएगी। जैसे हमारे वजन है 50 किलो, अगर हम पे 2 क्विंटल का माल रख दिया जाए तो क्या होगा, हमारा टे हो जाएगी हमारी, है ना। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस इमेज की बिड्स कम करनी पड़ेगी। तो मैंने बिड्स कम कर दी, मैंने कर दी इसकी 200, ठीक है। अब देखते हैं आपको 250-30 कर दी मैंने, ठीक है। देखो इमेज कर दी, अब मुझे क्या लिखना है, इस इमेज का कंटेंट लिखना है, कुछ नहीं है इमेज हो, मैं यहाँ बिट्स ही लगा रहा हूँ। जो इमेज रियल में जो काफ़ी बड़ी इमेज है, देखो देखो इमेज देख रहा कितनी बड़ी इमेज है, और हमारी बॉक्स की बिट्स कितनी है 300 फिक्सर, इमेज की बिट्स तो बहुत बड़ी है ना, तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे इमेज की बिड्थ कम कर दी है, ठीक है आएगी बात समझ में। देखो क्योंकि इमेज की बिड्थ बहुत बड़ी थी, तो हमारे बॉक्स सिंपल, हमारा कमरा छोटा है, अब उस कमरे के अंदर हम लगाना चाहते हैं हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर बड़ा है तो कमरे में तो आएगा नहीं, या तो हेलीकॉप्टर छोटा करो तो उस कमरे के अंदर फिट हो, ठीक है। अब मुझे ये कंटेंट यहाँ से कॉपी करना है सिंपल सा, और इसी के लिए चाहता हूँ मैं लिख लेता हूँ H4, ये कंटेंट पेस्ट कर दिया, चेक कर लेता हूँ यहाँ पे जाके, देखो ये कंटेंट आ गया इसका, देखो कहीं बाहर गया बॉक्स से कहीं, इसी के अंदर ही सेट हो गया, देखो अपने आप कि बाहर निकल के नहीं गया, है ना। अब इसके नीचे इसका प्राइस डाल देता हूँ, ये देखो दिख रहा है प्राइस, ये रुपीज़, ये मैंने कॉपी किया देखो रुपीज़ यहाँ से सब कुछ यहाँ पे आया, इसको यूज़ कर लिया मैंने H4 के अंदर रुपीस, ठीक है जैसे दिख रहा है रुपीस है रुपीस, कलर दे दिए मैंने थोड़ा स्टाइल लगा के, स्टाइल कलर जो भी आपको देना हो आप अपने अकॉर्डिंग दे देना, ठीक है। फिर एक बनाना है मुझे बटन लास्ट में, बटन एट टू कार्ड, तो मैं थोड़ा बॉक्स की हाइट उड़ा देता हूँ, देखो। अब मैं एक काम कर लेता हूँ यहाँ पे, जिसका ये MRP डाल देता हूँ, MRP आ रहा है ना, MRP MRP इसका, ये पेस्ट किया लो यहाँ पे, और मैं इसको यहाँ पे हाँ यहाँ से DEL कर लेता हूँ, सिखाया था आपको DEL, सबको याद होगा, दिख रहा है ये इतने का था इतने का आ रहा है, इसका कलर चेंज कर देता हूँ ना, इसका इतने का था इतने का आ रहा है। तो अब बटन दिख रहा है, बटन जी इस बटन को अपन डिजाइन दे सकते हैं, है ना। तो इस बटन के अंदर मैंने क्लास लगा दी BTN नाम की, ठीक है। तो इस बटन पे अपन थोड़ा डिजाइन दे देते हैं, यहाँ पे आते हैं .btn बटन की बिड सेट कर देते अपन, हाइट सेट कर दो इसके 40 पिक्सल, देखो कितना अंतर आया, ठीक है।
अब मैं स्टैट से काम कर लेता हूँ बटन का, बाकी कलर फलर डिजाइन आप लोग करते रहना बाद में। तो बटन की बिट थोड़ी छोटी कर देते हैं, हाइट भी कम कर देते हैं। ज़्यादा बड़ा बेकार लगेगा। बैकग्राउंड भी यूज कर लेता हूँ, सिंपल ब्लैक डालता हूँ, ब्लैक कलर वाइट बॉर्डर नल कर देता हूँ इसका, ठीक है बॉर्डर नल कर दिया और फिर बॉर्डर रेडियस कर दिया। बॉर्डर रेडियस देखो बटन के बॉर्डर रेडियस कर रहा हूँ, बटन के कोने देखो दिख रहा है रेडियस से क्या हो रहा है, देखो बॉर्डर के कोने, देखो कोने बॉर्डर के आप लोग दिख रहे हैं बॉर्डर के थोड़े कोने चेंज हो रहे हैं। फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा दिया है ना, देखो बन गया ऐसा बटन छोटा सा। इस बटन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसकी यहाँ पे मैं क्लास लगा देता हूँ, बटन पे थोड़ा काम कर लेता हूँ। ठीक है बटन तो बन गया जी हमारा इतना बटन जी। अब इस बटन पे थोड़ा माउस ले जाने पे मैं कुछ काम कर रहा हूँ। देखो मैंने क्या लिखा डॉट बी टी एन होवर एच ओ बी टी आर होवर लगा दिया, बैकग्राउंड लगा दिया कोई भी। देखो मैं दो कलर एक साथ लगा रहा हूँ, ठीक है माउस ले जाने पे इस पर दो कलर एक साथ आएंगे। ठीक है तो इसके लिए अपन यूज़ करते हैं, सिखाया था आपको लीनियर ग्रेडियंट यूज़ करते हैं। तो दो कलर एक साथ लाने के लिए बटन पे जैसे ही माउस लेके जाऊँगा ना दो कलर एक साथ आएंगे। या मैं एक काम करता हूँ, यहाँ देखो सब लोग बताने तो वही बताने जा रहा हूँ ना। अब देखो तुम्हें तो पता होना चाहिए, तुमने पढ़ चुके पहले से, तुम्हें पता नहीं है भूल गए सब सब पढ़ाया था ऐसा हो ही सकता भूल गए। देखो मैंने अभी क्या किया, देखो सब लोग मैं अभी इस बटन पे जो बटन है ना इस पे मैं दो कलर लगा रहा हूँ एक साथ, तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं लीनियर ग्रेडियंट है ना। देखो मैं लिखा यहाँ पे रेड कॉमा येलो देखना इस पे एक साथ दो कलर आ जाएंगे अभी बटन पे दिख रहे हैं सबको दो कलर दिख रहे हैं। आप दो ले दो लगा लो चार लगा लो पांच लगा लो जितना आपके मन का उतना आप एक साथ लगा सकते हो। देखो मैंने तीन लगा दिए ना रहे, देखो आप जितने लगाना चाहो तो मैं बाय डिफॉल्ट अभी दो लगा देता हूँ। ठीक है दो लगा दिए मैंने एक साथ है ना। अब मैं इसमें थोड़ा डिजाइन वो चेंज लोकेशन चेंज कर देता हूँ, तो मैं लिखता टू लिखा टू अरे क्लिक हो जा टू अरे कर्सर नहीं चलता टू आर आई जी एस टी राइट से कॉमा देखो मैंने क्या कर दिया टू राइट से कर दिया देखा ना राइट से हो जाएगा कलर जी चेंज हो गया डिजाइन लोकेशन चेंज हो गई इसकी डिजाइन बटन की दिख रहा है सबको है ना। क्या कर दी मैंने टू राइट से कर दिया है ना। जब भी लीनियर ग्रेडिएंट का अपन यूज करते हैं ना तो हमें इसमें एक साथ दो कलर देने होते हैं, अगर मैं इसमें एक कलर दूंगा ना तो चलेगा नहीं। देखो मैंने ये कट किया सिंपल लिख दिया रेड किला देखो ये काम कर रहा है क्या देखो
तो नहीं कर रहा है ना काम, है ना। दो साथ कल दो कलर एक साथ देने होते हैं लीनियर ग्रेडियंट में। क्या गया कलर, अब मैं इस पे माउस लेके जाऊंगा तो इसका कलर चेंज होना चाहिए, ठीक है, बटन का। तो वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो थोड़ा समझ लो, कोई काम जो नेक्स्ट क्लास में जो काम चेक होंगे। अब मैंने कलर चेंज कर दिया, अब मैंने कलर कर दिया ग्रीन, ग्रीन कमा इसके मैसेज आ रहे हैं, चलो देखो क्या कर दिया मैंने, BTN पे होवर होवर लगा दिया, माउस ले जाने पे ये कलर आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आप लोग देखो आ रहा है माउस ले जाने पे, दिख रहा है माउस ले जाने पे सारे लोग। अब एकदम झटके, अब एकदम झटके से आ रहा है ना। अब मैं चाहता थोड़ा स्मूथली आए तो अपन इसी के नीचे लगा लेते हैं ट्रांजिशन। आपको इससे अच्छा बनाना है वो भेजना है ग्रुप में बना के, मैंने कर दिया 1 सेकेंड। क्या लगा दिया ट्रांजिशन 1 सेकेंड। अब देखना लगाया नहीं क्या, सेकंड कर देता हूं, दिखना क्या चलते हुए। फाइल सेव नहीं हो रही क्या, सेकंड की, चलो थोड़ा देखते हैं टाइम हो जाएगा ना, ये हो गया ना। अब देखो अब मैं इतना क्या करते समझ गया, अब पहले इस वाले डिब को उठा के इसमें डाल देता हूँ क्योंकि टाइम भी हो रहा है ना, फिर अभी इस वाले को इसमें डाल देता हूँ, डाल दिया इसका सेव किया जाके, ये बन गया आपका एक सिंपल सा वेब पेज, दिख रहा है सबको सिंपल सा वेब पेज। और फिर मैं इसी डिब को बंद करता हूँ, तो यही 4 डिब दोबारा नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रॉल किया देखो, दिख रहे हैं आप लोगों को, आपको क्या करना होगा इससे और अच्छा बनाना होगा डिजाइन। आप यही सेम टू सेम नहीं भेजोगे मुझे, प्रैक्टिस में आपको प्रैक्टिस में इससे अच्छा डिजाइन बनाना होगा, ठीक है, बॉक्सिंग वाला डिजाइन बनाना होगा, समझ आ रहा है सबको। हाँ मैं भेज रहा हूँ, मैं कोड भेज रहा हूँ, पूरा भेज रहा हूँ, परेशान ना हो, ठीक है। टास्क समझ आ गया सबको, मतलब ये नहीं कि मेरी छाप के भेज दिया पूरा, वो मैं आप चेक करूंगा। आप जब भेजोगे ना ग्रुप में स्क्रीनशॉट सारे लोग, तो विद कोड के साथ भेजना है, एक एक अपने डिजाइन का फोटो भेजोगे, एक अपने कोड का फोटो भेजोगे, ठीक है। और जब कोड का फोटो भेजो ना, तो जब कोड का फोटो भेजो ना, तो ये पार्ट दिखना जरूरी है, ये दिख रहा है ये पाथ, जब फोटो खींच के भेजोगे ना तो ये पाथ दिखना जरूरी है, ये पाथ मुझे, ठीक है, समझ आ गया। चलो बाकी मैंने ये क्लास रिकॉर्ड कर दी है।